आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर सिरपुरा जनपद कासगंज से है। यहाँ नगर पंचायत सिरपुरा के पूर्व चेयरमैन व प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अध्यक्ष विशाल बाबू गुप्ता ने सामुदायिक रसोई का संचालन करवा दिया है, ताकि वैश्विक महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन में हर पेट को भोजन मिल सके। सिरपुरा कस्बा स्थित विशाल कॉम्प्लेक्स में सामुदायिक रसोई अनवरत रूप से चल रही है। श्री गुप्ता का कहना है कि यह सामुदायिक रसोई लॉकडाउन रहने तक अनवरत रूप से चलती रहेगी। वे यहां से भोजन बनवाकर काशीराम आवास, हंसपुर, पिलखुनी, हरराजपुर समेत अन्य दर्जनों ग्रामों व मोहल्लों तक पहुंचाते हैं। उनके इस पुनीत कार्य में राजू शर्मा, सोनू गुप्ता, रविंद्र सिंह, कृष गुप्ता, अमर वर्मा, नितिन गुप्ता, रवि गुप्ता, सनी गुप्ता, अंकित गुप्ता, पंकज गुप्ता, अवधेश, राकेश आदि अन्य तमाम युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। भोजन वितरण के इस कार्य में सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिरपुरा से पीपीडी संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। आइए मिलते हैं संकट के दौर में गरीबों के मसीहा बने समाज सेवी विशाल गुप्ता से। सिरपुरा के पूर्व चेयरमैन प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के जिला अध्यक्ष विशाल बाबू गुप्ता से पूछना। बताइए भाई साहब, जरूरतमंद जब से लॉकडाउन हुआ जब से जरूरतमंदों को भोजन खवा रहा है, इसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं? नर सेवा नारायण सेवा मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है। जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की है, तभी से मैंने प्रण कर लिया कि प्रतिदिन जरूरतमंदों को ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में भोजन कराऊंगा और उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा। भाई साहब, लगभग कितने लोगों को खाना खिलवाते हैं आप? लगभग 1800 लोगों का भोजन बनता है। ग्रामीण क्षेत्र सकेरा, पिलखुनी, हंसपुर, हरराजपुर, प्याऊ एवं नगर में भी भोजन मेरे अपने साथी मित्रगण वितरित करके आते हैं। ऐसा अगर क्या अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो फिर भी ये भोजन की व्यवस्था आपके यहाँ बनी रहेगी क्या? जब तक प्रभु की कृपा है, जरूरतमंदों की सेवा करना प्रथम कर्तव्य था, है और हमेशा रहेगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।